हॉबी एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं खेल की खास खबर। राजस्थान ने हैदराबाद को 7 विकेट से हराया, प्लेऑफ की उम्मीद बरकरार। शानदार गेंदबाजी के बाद बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने अपने घरेलू मैदान सलमान सिंह स्टेडियम में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग 12वें सीजन के 45वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान की टीम की 12वीं मैचों में यह 5वीं जीत है और टीम 10 अंकों के साथ अंक तालिका में छठे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं हैदराबाद की 11वें मैच में यह छठी हार है और वह पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर मौजूद है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मनीष पांडे आक्रामक अर्धशतक या पारी के बावजूद मध्यक्रम के बिखेरने की वजह से 20 ओवर में 160 रन ही बना पाई। एक ऐसा वर्ल्ड कप जब भारतीय टीम नहीं जीत पाई एक भी मैच। इस टीम ने किया था सबसे बड़ा उलटफेर। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित होने वाले आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के 12वें सीजन की शुरुआत 30 मई से हो रही है, जिसका फाइनल मुकाबला 14 जुलाई को खेला जाएगा। 45 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 48 मैच खेले जाएंगे, जिसका आयोजन 11 मैदान पर होगा। इस वर्ल्ड कप में कुल 10 टीम हिस्सा ले रहे हैं, जो राउंड रॉबिन लीग फॉर्मेट वाले टूर्नामेंट में एक दूसरे से एक एक बार भिड़ेंगी और इसके बाद टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले हम आपको बता दें कि विश्व कप का इतिहास है। दिल्ली कैपिटल्स की निगाहें जीत से प्लेऑफ में जगह बनाने पर बैंगलोर के लिए करो या मरो का मुकाबला। कैपिटल्स की टीम इंडियन प्रीमियर लीग 2019 के 40वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पर जीत हासिल कर प्लेऑफ के लिए जरूरी अंक जुटाने की कोशिश करेगी। वहीं बैंगलोर की टीम प्लेऑफ की उम्मीद बरकरार रखना चाहेगी। दिल्ली और बैंगलोर के बीच यह मैच रविवार को शाम 4 बजे से दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की अगुवाई में दिल्ली की टीम इस सत्र में अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखना चाहेगी, जिस ऋषभ पंत की भूमिका काफी अहम होगी। दिल्ली कैपिटल्स अभी 11 मैच में 7 जीत से 14 अंक लेकर चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बाद तीसरे स्थान पर है। कप्तान विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पर जीत ही दिल्ली को प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करवा देगी, जिससे उन्हें 16 अंक हो जाएंगे। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।